इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। सबसे पहले फ्लक्स क्या है इसको पढ़ते हैं, और फ्लक्स को अगर डिफाइन करना है तो स्टेटमेंट तो ये कहती है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली, इसको फ्लक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ, ये एक नंबर है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी क्रॉस कर रही हैं किसी एरिया को परपेंडिकुलरली। फॉर एग्जाम्पल ये दीवार पॉजिटिव ये नेगेटिव है, और सपोज इलेक्ट्रिक लाइंस यहां से यहां जा रही हैं, पूरी रूम में इलेक्ट्रिक लाइंस है, दिखाई नहीं दे रही है पर आप समझ सकते हो इस तरफ है। आपने क्या किया, ये एक साथ में एरिया ले लिया, बीच में एक बॉडी ले ली, एक बॉडी है इसका ए सरफेस एरिया है। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से क्रॉस कर रही हैं और यहां से पास होके बाहर निकलेंगी, और आपको कितनी लाइंस क्रॉस कर गई परपेंडिकुलरली वो काउंट करके बताओ, आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप कहोगे यार ये अजीब बात है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बताया गया था, कहा गया था ये इमेजिनरी है, मैं इमेजिनरी चीज को काउंट कैसे कर सकता हूं, पहले तो दिखती नहीं, फिर ऊपर से कहते हैं कि नंबर भी काउंट करके बताओ, ठीक है। तो फ्लक्स भी इमेजिनरी है, ये भी हवा में बातें कर रहा है, ठीक, हवा में बात कर करके ई निकाल देगा, देखो एक मिनट में कैसे दिखाता हूं। तो अगर ये सरफेस बिल्कुल परपेंडिकुलर है ई के तो पूरा लाइन सीधी पास करेगी, लेकिन अगर ये सरफेस एरिया टेढ़ा है लाइन तो सीधी पास करेगी, तो आपको कुछ कंपोनेंट लेने पड़ेंगे उस ई के जो इसके ऊपर 90 डिग्री पे है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इस लाइंस को काउंट नहीं कर पाओगे, आपकी नॉलेज या मेरी नॉलेज काउंट नहीं कर पाएगी, पर जिसने फ्लक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया उसने लाइंस को काउंट करने का तरीका भी बताया कि फ्लक्स अगर आप कैलकुलेट करते हो तो एक फॉर्मूला लिख लो। तो उन्होंने फॉर्मूला लिखवाया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं राइट की तरफ जा रही हैं, और ये एक बड़ा एरिया है जो बीच में रास्ते में आ गया, बड़ा एरिया ना लें एक छोटा एरिया ले लें, छोटे एरिया को रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय डी एस, तो ये क्या है डी एस वेक्टर, राइट। अब फिजिक्स में एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, सुन लें, हमने प्लस वन में यूज नहीं की पर एरिया वेक्टर होता है, और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया, तो अगर ये एरिया है इसके 90 डिग्री पे एरिया वेक्टर बनता है हमेशा। तो ये देखो ये आपने एरिया वेक्टर लिया, टेढ़ा है ऐसी बॉडी है, तो एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा ये, क्योंकि आपने सरफेस एरिया छोटा लिया डीएस, तो एरिया वेक्टर भी छोटा बनेगा डीएस वेक्टर, पर ई वेक्टर तो सीधा निकल गया, तो ई वेक्टर डीएस वेक्टर, और जिसने फ्लक्स बनाया उसने फॉर्मूला बताया कि अगर आप इसमें से काउंट करना चाहते हो कितनी लाइंस क्रॉस कर गई 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली, आप सिंपली ई वेक्टर लो डीएस वेक्टर लो और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो क्या आएगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यहां से फ्लक्स आ जाएगा। मैं बनाने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने बताया है, मैंने नहीं बनाया, उसे तरीका बताया कि ये फॉर्मूला याद कर लो। अब क्योंकि एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी स्मॉल है, फ्लक्स का सिंबल क्या है फाई, पर यहाँ स्मॉल फ्लक्स है तो डी फाई, तो आप पहले फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करें फ्लक्स का फॉर्मूला, डी फाई इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, डी फाई इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक। तो ये पहला फॉर्मूला नोट करें, ठीक, क्लियर है। तो अगर मैं आपको ई वेक्टर दे दूं, मैं आपको डी एस वेक्टर दे दूं, आप डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट है तो वेक्टर तो आएगा नहीं, नंबर आएगा, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी तो नंबर बता देगा आपको, ठीक है। दूसरा, इसके जो यूनिट्स हैं ई के यूनिट्स इंटू एरिया के यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक, नंबर टू। नंबर थ्री, अगर आप टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं बड़े सरफेस एरिया का, छोटे सरफेस एरिया का फ्लक्स तो निकल गया, पर अगर सरफेस एरिया बड़ा है और आप फाई निकालना चाहते हैं तो आप दोनों साइड्स की क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे उसका सिंबल नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन के आगे सर्कल बना हुआ है, ध्यान से देखें, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो जब अभी हम करेंगे टॉपिक, अभी दिखाऊंगा क्लोज इंटीग्रेशन क्या होती है, पर टोटल फ्लक्स जो आएगा वो क्लोज ई बाहर आ गया, कॉस थीटा बाहर आ गया, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएस के साथ होगा।
ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्या है, इसको समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट पे आए। ये नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है कि एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू है, नहीं वो नहीं है। ये ऐसे है जैसे मान लो आपके पास एक स्फेयर है, इस स्फेयर का स्मॉल एरिया डीएस है, डीएस एरिया परपेंडिकुलर है सरफेस इसके। अगर आप सारे डीएस 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 मिलाएंगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ स्फेयर, कोई लिमिट्स लिमिट्स नहीं पुट करते, बस नीचे लिखते हैं स्फेयर। तो सारे डीएस मिला के टोटल आंसर क्या आएगा, 4 बाय r² क्लोज, इसलिए क्योंकि सरफेस एरिया बंद हो जाता है इस फिगर का, क्योंकि एक स्फेयर है तो क्लोज बन के जो फिगर आएगी उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। इसमें इंटीग्रेशन के नॉर्मल रूल्स नहीं अप्लाई करने होते, जो फिगर है उसका एरिया पुट कर देना होता है। जैसे स्फेयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, जैसे सपोज करो सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का स्मॉल एरिया डीएस लिया, सारा डीएस कर्व वाला मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या देगा, 2 पाई आर एल। तो ये क्लोज इंटीग्रेशन है, यूज कैसे करनी है अभी बताता हूँ। ये नॉर्मल इंटीग्रेशन के फॉर्मूला फॉलो नहीं करता, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये आपके पास तरीका है क्लोज इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, डिपेंडिंग अपॉन क्या फिगर है, स्फेयर है, शेल है, सिलेंडर है, या कैसे फिगर है, उसके हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। तो ये फ्लक्स का तरीका है। अगर मान लो यहाँ पे ये रेड लाइंस ई वेक्टर शो कर रही हैं और ये एरिया वेक्टर राइट है, इस फिगर में ई वेक्टर और डीएस वेक्टर में एंगल क्या है, 0। इसके अंदर ई वेक्टर और डीएस वेक्टर में एंगल क्या है, थीटा। इसके अंदर ई वेक्टर और एरिया वेक्टर में एंगल क्या है, 90। ठीक है, एंगल देखना आ गया। तो अब हम चलते हैं गॉस थ्योरम।